नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना श्रवण की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्रावण की शिवरात्रि का महत्व सबसे बढ़कर है। शिव पुराण में कहा गया है, देवदेव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रभावाद्देवेश निर्विघ्नेण भवेदिति, कामाद्या शत्रवो मा वे पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करने वाले चार व्रत अवश्य करने चाहिए। ये चार व्रत इस प्रकार है: श्रावण में भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिवरात्रि का उपवास तथा काशी में मृत्यु होना। ये चार व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इन चारों में शिवरात्रि का व्रत अधिक बलवान है, इसलिए मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मुख्यतः शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के शिवरात्रि के व्रत का विशेष महात्म्य बताया गया है। यह व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उस दिन यह व्रत करने पर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति निश्चित होती है। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि 15 जुलाई शनिवार रात 8:32 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 जुलाई रविवार को रात 10:08 पर होगा। निशिता मुहूर्त के आधार पर शिवरात्रि 15 जुलाई को मनाई जाएगी। 15 जुलाई को निशिता पूजा का मुहूर्त रात 12:07 से देर रात 12:48 तक है। सावन शिवरात्रि की पूजा के लिए 41 मिनट का शुभ मुहूर्त है। जो दिन में पूजा करना चाहते हैं वे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि का महत्व केवल रात्रि की पूजा का ही है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। इस वर्ष शिवरात्रि पर दो शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, वे है वृद्धि योग और ध्रुव योग। वृद्धि योग सुबह 8:22 तक है और इस योग में पूजा पाठ करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है, और इसके बाद ध्रुव योग का आरंभ होगा जो पूरी रात का रहेगा। सावन शिवरात्रि के दिन मृगशिरा नक्षत्र है, यह सुबह से लेकर रात 12:23 तक है। आइए जानते हैं शिवरात्रि में शिव पूजन की विधि। इस महान विधि के बारे में भगवान शिव ने स्वयं ऋषि मुनियों को सुनाया था। शिवरात्रि के दिन मनुष्य को आलस्य का त्याग करके सुबह जल्दी जागना चाहिए और नित्य कर्म से निवृत्त होकर बड़े आनंद से सभी पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके भगवान शिव को नमस्कार करके शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर समस्त पूजन सामग्री का संग्रह करना चाहिए और रात्रि के समय में शुभ मुहूर्त पर स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। फिर शिवलिंग के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर पूजा के लिए जमा की हुई सभी सामग्री रखनी चाहिए। तदनंतर अस व्यक्ति को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और 3 बार आचमन करके शिव पूजन को आरंभ करना चाहिए। शिवलिंग पर नाना प्रकार के द्रव्य तथा पंचामृत चढ़ाते हुए शिव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा ना ही करनी चाहिए। फिर शिवरात्रि के महात्म्य का पठन करना चाहिए। उसके बाद शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान धर्म करना चाहिए। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियमों का विसर्जन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। शिव जी कहते हैं, जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे, इस व्रत के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस व्रत के दिन किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। इस व्रत को शुद्ध रहकर ही करना चाहिए। इस व्रत में तन और मन को शुद्ध रखकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तभी यह व्रत सफल होता है। शिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए। इस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सभी रोगों का नाश होता है और भय से मुक्ति मिलती है।
शिवरात्रि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी मनोरथ और मनोकामनाएं सफल होती हैं, क्योंकि पीपल के जड़ में भगवान शिव का सदैव ही निवास रहता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर शहद चढ़ाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिव जी पर धतूरे का फूल चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। अपनी राशि के अनुसार इन वस्तुओं को भगवान शिव पर अर्पण करें। मेष राशि के व्यक्ति को जल में चंदन, गुड़हल के फूल और गुड़ मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ओम शर्वाय नमः का जाप करें, ये धनदायक मंत्र है। वृषभ राशि के जातक गाय के दूध से महादेव का अभिषेक करें, विशेष कृपा मिलेगी। मिथुन राशि के लोगों को जल में दही मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, मनोकामना सफल होती है। सावन शिवरात्रि के दिन 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर ओम पशुपतये नमः का जाप करना चाहिए, इससे दांपत्य जीवन में सुख शांति आएगी। कर्क राशि के व्यक्ति को गाय के दूध में शहद मिलकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और चंदन तथा सफेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ओम त्र्यंबकाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। सिंह राशि के लोग पानी में लाल पुष्प डालकर तांबे के पात्र से शिव जी का अभिषेक करें। सिंह राशि वाले लाल चंदन से बेलपत्र पर ऊं लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम ईशानाय नमः मंत्र का जाप करें, ये उपाय आरोग्य प्रदान करेगा। कन्या राशि के लोग गन्ने के रस में काले तिल मिलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। तुला राशि के जातक सावन शिवरात्रि के दिन 7 कमल के फूल शंकर जी को चढ़ाने चाहिए, इससे कभी धन की कमी नहीं रहती। ओम महेश्वराय नमः ये मंत्र आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति को शिवरात्रि में पानी में बेलपत्र शहद मिलकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। उन्नति के लिए सावन शिवरात्रि पर महादेव को एक मुट्ठी अक्षत अर्पित करें। इस दौरान ये मंत्र बोलें, ओम कपर्दिने नमः। धनु राशि वालों को पानी में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। ओम विरूपाक्षाय नमः, इससे विवाह की बाधा दूर होती है। मकर राशि के व्यक्ति भगवान शिव पर धतूरा और बेलपत्र चढ़ाए, इससे कार्यों में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों को सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग को काला तिल अर्पित करना चाहिए, साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम भैरवाय नमः। ये उपाय शनि राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचाएगा। कुंभ राशि के लोग शिवलिंग पर गन्ने के रस चढ़ाए और शिव चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वाले इस दिन शमी के पत्ते और फूल चढ़ाकर शिव का श्रृंगार करें, ये उपाय शनि दोष से राहत दिलाएगा। मीन राशि के लोग 5 गव्य से शिवलिंग का अभिषेक करें और पूजा के समय सभी जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। सावन शिवरात्रि पर ओम अघोराय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को गुलाल और अबीर भस्म चढ़ाए, इससे पति पत्नी के बीच चल रही तनातनी खत्म होगी। जिन लोगों को संतान न हो रही है उन लोगों के लिए सावन की शिवरात्रि के काफी ज्यादा मायने हैं। इस दिन शिवलिंग पर घी और गंगा जल से अभिषेक करने पर ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में काफी खुशहाली आएगी। नविवाहित सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें, ऐसा करने पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नव विवाहितों पर कृपा बनाती हैं और उनका प्रेम बढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राशि के अनुसार शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा जरूर करें, महादेव आपकी हर मनोकामना को निश्चित ही पूर्ण करेंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके मित्रों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।